असम इम्पोर्टेंट फैक्ट, आइए जानते हैं असम के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। चलिए शुरू करते हैं। नंबर वन, इंडियाज लार्जेस्ट शक्तिपीठ माँ कामाख्या टेम्पल। ये गुवाहाटी का माँ कामाख्या भारत के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। भारत के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका में 51 शक्तिपीठ है। कामाख्या शक्तिपीठ को सबसे शक्तिशाली शक्तिपीठ माना जाता है क्योंकि देवी सती का योनि नीलांचल पर्वत यानी नीलगिरी पहाड़ियों पर गिरा था, जो देवी के मृत शरीर के विभाजन के बाद हुआ था। चूँकि हर कोई योनि के माध्यम से दुनिया में आता है, इसीलिए ब्रह्मांड बनाने का केंद्र बिंदु माना जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर आइसलैंड माजुली। माजुली को दुनिया के सबसे बड़े नदी द्वीप के रूप में मान्यता प्राप्त है। यह जोरहाट के पास ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है और हरे भरे वातावरण और प्रदूषण मुक्त वातावरण को घेरता है। अपनी सुंदरता और जीवंत संस्कृति के कारण यहाँ पर्यटकों को आकर्षित करता है। नंबर थ्री, इंडियास वाइडेस्ट रिवर ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी को दुनिया की सबसे राजसी नदियों में से एक माना जाता है। ब्रह्मपुत्र भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य से प्रवेश करता है, जहां इसे सियांग कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी ही सबसे चौड़ी नदी है। नंबर फोर फैक्ट, वर्ल्ड्स बिगेस्ट वेयरिंग विलेज स्वालकुची। स्वालकुची कामरूप जिले का एक गांव है, जिसे अक्सर असम का मैनचेस्टर कहा जाता है, क्योंकि यह विशाल कुटीर उद्योग और वस्त्र उद्योग के लिए मशहूर है। यहाँ उच्च गुणवत्ता वाले मेखला, चादर और गमछा का उत्पादन करने के लिए प्रसिद्ध है। असम के लिए यह स्वदेशी है। नंबर फाइव फैक्ट, एशियाज ओल्डेस्ट एम्फीथिएटर रंगर शिवसागर। रंगर एक ऐतिहासिक स्मारक है जो शिवसागर शहर के पास स्थित है। यह माना जाता है कि स्मारक का निर्माण 1744 से लेकर 1750 ईस्वी के आसपास किया गया था, जिसे यह सबसे पुराना बना रंगर का उपयोग है। यहाँ पे भैंस के झगड़े, कुश्ती इत्यादि खेलों जैसे गवाह के रूप में अहोम राजाओं द्वारा किया गया था। यहाँ अहोम राजा भैंसों के झगड़े, कुश्ती आदि करवाते थे। नंबर सिक्स, वर्ल्ड हाईएस्ट वन हैनोड रेनो पॉपुलेशन काजीरंगा। असम हमेशा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के साथ और अच्छे कारण से जुड़ा हुआ है। काजीरंगा एक बोनफाइटर वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यह दुनिया में महान एक सिंह वाले गेंडों के दो तिहाई घर भी है। यहाँ 2015 के अनुसार 2401 हैं गेंडों की संख्या। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को 2006 में टाइगर रिजर्व भी घोषित कर दिया गया है। नंबर सेवन फैक्ट, वर्ल्ड लार्जेस्ट टी ग्रोइंग रीजन अक्रॉस द स्टेट। दुनिया का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य असम को पूरी दुनिया में सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य माना जाता है। देश के कुल चाय उत्पादन में असम का योगदान 52% से भी अधिक है। हम देख सकते हैं इमेज। नंबर एट फैक्ट, इंडियाज लार्जेस्ट नेचुरल जू असम स्टेट जू। असम राज्य चिड़ियाघर उत्तर पूर्व भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है, जो 432 एकड़ भूमि में फैला हुआ है। यह राजधानी गुवाहाटी में स्थित है और यह दुनिया भर में जानवरों और पक्षियों की लगभग 113 प्रजातियों का घर है। बड़ी संख्याओं में जानवरों जैसे बाघ, ब्लैक बियर, गोल्ड लंगूर आदि के कारण हर दिन सैकड़ों पर्यटकों का आकर्षक केंद्र है। नंबर नाइन फैक्ट्स, इंडियाज टी कैपिटल जोरहाट ऊपरी असम में एक प्रमुख शहर और ज़िला है। इसे व्यापक रूप में टी कैपिटल ऑफ इंडिया के रूप में भी जाना जाता है। यह अहोम वंश की अंतिम राजधानी थी और यह असम के कुछ सबसे पुराने ऐतिहासिक स्मारकों का घर है।
एशियाज ओल्डेस्ट रिफाइनरी एंड बर्थ प्लेस ऑफ क्रूड ऑयल डिगबोई। 18वीं शताब्दी के दौरान जब रेलवे ट्रैक बिछाया जा रहा था तब डिगबोई में तेल के निशान पाए गए थे, जिसके कारण शहर में पहला तेल कुआं खोदा गया, इसीलिए डिगबोई को पहला तेल का कुआं भी कहा जाता है। इस वजह से डिगबोई को असम के तेल के शहर के रूप में भी जाना जाता है। डिगबोई में सबसे पुराना तेल का कुआं है। तेल के अलावा डिगबोई सैखोवा वन्य जीव अभयारण्य आदि भी प्रसिद्ध हैं। लैंड फैक्ट, इंडिया फर्स्ट 5-स्टार रिवर क्रॉस एमवी महाबहु ऑन ब्रह्मपुत्रा। नदी के किनारे पर मंडराते हुए मूल विचार अत्यंत खुशी प्राप्त करना है। एक नदी के किनारे पर मंडराते हुए मूल विचार अत्यंत खुशी प्राप्त करना है और एमवी महाबाहु की तुलना में ब्रह्मपुत्र तट पर क्रूज करने वाला कोई बेहतर तरीका नहीं है। यह कोलकाता में कला सुविधाओं के साथ बनाया गया था, जिसमें गोल्ड मंगा रेशम के पैनल की बहुत ही असीम सजावट के रूप में शामिल किया गया है। देख सकते हैं इसका इमेज, ये रहा। नंबर 12 फैक्ट, इंडिया से लॉन्गेस्ट ब्रिज भूपेन हजारिका ब्रिज। इस पुल का उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री ने 26 मई को किया था। इसका नाम बदलकर असम के प्रतिष्ठित गायक डॉक्टर भूपेन हजारिका के नाम पर रखा गया। पुल की लंबाई 9.15 किलोमीटर है, जिससे यह भारत का सबसे लंबा पुल भी है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।